हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण कुमार, एमडी काय चिकित्सा। आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन केवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी आयुर्वेदिक सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम घर पर रहते हुए लॉकडाउन को फॉलो करते हुए अपनी इम्यूनिटी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम आगे आज बात करेंगे कि कैसा हमारा दिनचर्या होना चाहिए, आयुर्वेदिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा डे रूटीन कैसा होना चाहिए। तो डे रूटीन हमारा कैसे सुबह से स्टार्टिंग होके कैसे हम रात तक क्या क्या करना है हमको और कैसे इसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है। ब्रह्म मुहूर्त का जागरण का मतलब आपको एटलीस्ट सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे तो हम दिन भर के लिए स्टार्ट मिल जाता है हमको। उसके बाद हमको सबसे पहले जब सूर्योदय उठ जाएंगे तो सबसे पहले हमको कुछ थोड़े मात्रा में गुनगुना पानी पीना है। चाहो तो एक कप भी पी सकते हैं, दो कप भी, चार कप या एक गिलास तक पी सकते हैं, आपको जैसा सूट करता है, जैसा आपका साथ में है। तो फिर उसके बाद आपको फ्रेश होना है, हाथ मुंह धोना है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम के लिए बाहर जाना है। बाहर मतलब खुले में जाना है और जब तक वो धूप भी आ जाती है तो धूप में ही बैठ के करने का है। तो वहाँ से आपकी विटामिन डी भी मिलेगा साथ में और आपकी आपके लिए ये योग और प्राणायाम का दोनों का डबल फायदा होगा। तो पहले योग प्राणायाम में क्या करना है, सिंपल पहले सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रेडमिल दौड़ सकते हैं अगर आपके अवेलेबल है तो ट्रेडमिल पे दौड़ सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम आसन कर सकते हैं। आसन में कोई बहुत सारे आसन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सिंपल आसन कर सकते हैं। बैठ के दो आसन कर लीजिए, सीधे लेट के दो आसन कर लीजिए, उल्टे लेट के दो आसन कर लीजिए। और प्राणायाम में आपका जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, बस इतने बहुत हैं, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 30 मिनट से लेकर आपको 45 मिनट तक ये आपको करना है। इससे आपकी क्या होगा, दिन भर के लिए एक आपको एक एनर्जी मिल जाती है, इससे आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाती है शरीर की। फिर इसके बाद में हमको जाके 5 मिनट रेस्ट लेना है। उसके बाद हमको अपनी बॉडी का अभ्यंग करना है। अभ्यंग आपको किस तेल से करना है, सबसे बेस्ट तेल आयुर्वेद में जो तिल तेल बोला है, तिल तेल से करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अभ्यंग, जब बॉडी का अभ्यंग करेंगे उसी तेल से आप सिंपल एक चम्मच मुंह में रख के कवल या गंडूस कर सकते हैं। कवल गंडूस मींस मत मुंह में रखना है, 5 मिनट उसको चलाते रहिए, साथ में अभ्यंग भी कर सकते हैं तो टाइम हमारा यूटिलाइज होता है। उसके बाद दो दो बूंद हम नाक में डाल के उसको नस के रूप में ले सकते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जैसा कि इम्यूनिटी जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि इम्यूनिटी जो फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल जो इननेट इम्यूनिटी होती है, तो अभ्यंग के द्वारा जो हमारी स्किन की टेक्सचर है वो मजबूत बनेगा और उसकी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होती है। तो हमारे जो बाहर से जो जर्म्स आएंगे वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, मजबूत हो जाती है। नाक में तेल डालने से, मुंह में कवल गंडूस करने से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जो हमारा इम्यूनिटी होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे हमारा वो आयुर्वेदिक सिद्धांत भी उसके लिए फायदेमंद होते हैं। तो उसके बाद फिर हम स्नान करेंगे। स्नान के लिए हमको बहुत ही सिंपल मतलब ल्यूकवॉर्म वाटर होगा उतना चलेगा, वो ल्यूकवॉर्म वाटर से हमको स्नान लेना है। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर किसी को करना है तो वो भी कर सकता है, बहुत ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है। रात्रि में स्टोर वाटर से स्नान नहीं करना है, ताजी पानी से स्नान करने का है। उसके बाद स्नान करने के बाद हमको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। आज हम बात उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि आहार में हमको क्या लेना है, क्या हमको ब्रेकफास्ट में लेना है, क्या लंच में लेना है, क्या डिनर में लेना है और क्या क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए खाने की और कितनी मात्रा में लेना है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसा कि हमने ब्रेकफास्ट की बात की तो ब्रेकफास्ट में हमको सुबह टाइम पे लेना है। जैसे हमने बोला था काल भोजन आरोग्य करणम है, तो काल अपना फिक्स कर लीजिए। हो सकता है किसी का 8 से 9 के बीच में फिक्स हो जाए, किसी का 9 से 10 के बीच में हो सकता है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर उसने वहां पे अगर फिक्स किया अपना, ऐसे ही लंच का टाइम फिक्स कर सकते हैं, कोई 12 से 1 के बीच में कर सकता है, कोई 1 से 2 के बीच में कर सकता है, बस 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ब्रेकफास्ट 10 के बाद नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिनर का टाइम है, कोई 6 से 7 के बीच में ले सकता है, 7 के 8 के बीच में ले सकता है, 8 के बाद ब्रेकफास्ट सॉरी डिनर नहीं लेना है आपको। तो काल भोजन हमको ये फिक्स कर लेना है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के। अब हमें इसमें लेना क्या है, तो सुबह में जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो हमारा इम्पोर्टेंट है कि सबसे हेल्दी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। उसमें आपका ऑयल यूज नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए, जैसे पूड़ी है, पकवान है, पराठे हैं, बिल्कुल नहीं लेना है। बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेने का है, मैदा का कोई भी आइटम बिल्कुल नहीं लेने का है, ऐसे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट स्पेशली, बहुत सारे लोग होते हैं सुबह दूध पीते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीने का है। डेयरी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना, दही नहीं लेना है आपको, कोई भी डायरेक्ट अगर डेयरी प्रोडक्ट अगर आप लेना तो सिर्फ एक ही हमारा आइडियल है डेयरी प्रोडक्ट लेने के लिए, उसमें भी छाछ। आप छाछ ले सकते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट खाने के बाद में ले सकते हैं, एज ए ड्रिंक्स ले सकते हैं उसको। तो हमको ब्रेकफास्ट में लेना क्या है, सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट में हम बहुत सारे ऑप्शन है,
और वो बदलते रहने चाहिए, हर दिन बदलते रहने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स में क्या ले सकते हैं, जैसे कुछ चने हैं, थोड़ी सी मूंग है, दो तीन बादाम है, एक अखरोट है, ऐसे मिला जुला के कई सारी ग्रेन्स लेके हम उसको स्प्राउट्स के रूप में हम बना सकते हैं। उसको हम ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं। चीला जैसे कि हमारा बेसन का हुआ, मूंग का हुआ, रागी का हुआ, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हेल्दी आटे होते हैं उनका हम चीला ले सकते हैं। हम वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं, उसमें हम ब्राउन ब्रेड का यूज कर सकते हैं, वो भी हम सिर्फ दो ब्रेड हम खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें जो वेजिटेबल्स होंगे वो सीजनल होने चाहिए और बहुत काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। उसके बाद अगर बाई द वे कोई, जैसे कोई अफोर्डेबल नहीं होता है, वो सोचता है कि ये सब अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो सिंपल रोटी और सब्जी ले सकता है। लेकिन उसमें एक नियम है, रोटी प्योर आटा जो होता है वो गेहूं का नहीं होना चाहिए, और सब्जी हमारी नॉर्मल जैसे सब्जी बनती है वैसे छोक के नहीं बननी चाहिए। उसमें हमको जो आटा लेना है रोटी के लिए वो मिक्स होना चाहिए, मिक्स कई सारे ग्रेन उसमें मिक्स होना चाहिए। जैसे कि उसमें गेहूं है कम मात्रा में, चना है, उसमें रागी है, उसमें आपका जौ है, मकई है, ये सब मिक्स करके हम वो रोटी बनाएंगे। और जो हमारी सब्जी रहेगी, सब्जी हमारी जो होगी फ्राइड नहीं रहेगी, बॉयल होगी, बॉयल होगी। उसके ऊपर से हम अपने स्वादानुसार उसमें मिला सकते हैं, आपको जीरा पाउडर मिला सकते हैं, धनिया मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, ऐसे वो रहेगी। और सातों दिन एक जैसा नहीं खाना है, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, ऐसे ही हमको अपना ब्रेकफास्ट मेंटेन रखना है। और फिर लंच की बात करेंगे तो लंच जैसे हमने बताया टाइम पे लेना है। लंच में क्या लेना है, लंच में हमने रोटी, सब्जी, दाल, सलाद और दही ले सकते हैं। दही का सिर्फ एक ही टाइम लेना है, वो भी दोपहर में लेना है। दही खाने के बहुत सारे आयुर्वेद में सिद्धांत हैं, नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए। और दही लेने का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि वो ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में नहीं लेना है। रात्रि में दही का यूज नहीं करना है, और दही को कभी भी सादा नहीं खाना है, उसमें कुछ ना कुछ मिला के खाना है। उसमें आयुर्वेद में बताया जैसे हम उसमें सिंपल काला नमक मिला सकते हैं, मूंग मिला सकते हैं, शर्करा मिला सकते हैं, आंवला मिला सकते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ मिला के जैसा आपको सूट करता है, जैसा आपका टेस्ट है, वैसे आपको दही को यूज करना है। लेकिन वो दोपहर में ही खाना है, और उस दही की जगह पे आप छाछ भी ले सकते हैं। और स्पेशली आपको खाना जो मात्रा जो हम बताए हैं वो मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये इस पे इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो लंच की जो मात्रा है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोला गया है, जो हमारा आमाशय की जितना वो साइज है, जितना हम पूरी टोटल उसका साइज है, उसका हमको 1/3 खाना है सॉलिड खाना। सॉलिड में आपका रोटी, सब्जी, दाल, सलाद सब है, उसमें हमको 1/3 खाना है। और उसकी 3 भाग कर लेते हैं, अगर मैं ऐसे बोलूँ सिंपल भाषा में 3 भाग करेंगे, तो 1 भाग में हमको सॉलिड रखना है, 1 भाग में हमको लिक्विड रखना है। उसमें आपका जो छाछ है, दही है, पानी है, वो सारा लिक्विड, और वेजिटेबल्स के भी लिक्विड, और सलाद में भी जो लिक्विड है वो भी उसमें काउंट होगा, तो वो रखना है। और 1 पार्ट हमको खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने का बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि जो हमारे आमाशय में जो दोष होते हैं, स्पेशली जो क्लेदक कफ होता है, समान समान वायु होती है, पाचक पित्त होता है, तो इसके लिए हम इनको वर्किंग करने के लिए स्पेस चाहिए रहता है। अगर हमने पूरा, अगर हमने फुल कर लिया आमाशय को, तो इनको वर्किंग करने के लिए प्लेस ही नहीं है, तो वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी मिक्सी होती है, मिक्सी के अंदर हमने अगर कुछ हमको पीसना है, तो अगर मिक्सी को हम फुल भर देंगे तो वो कभी अच्छे से पीसेगा ही नहीं। ऐसे ही हमको आमाशय ऐसे सोचना है कि मिक्सी को हमको आधे ही भरना है और आधे से कम रखना है, और उसमें पानी डालना है, फिर पानी जब तक वो, और ऊपर स्पेस खाली छोड़ना है, तभी वो ग्राइंड करेगा अच्छे से। वही सिद्धांत हमारे आमाशय का सिद्धांत है। अगर आपने वो ग्राइंड करने की जगह स्पेस नहीं छोड़ा, तो आपको इनडाइजेशन होगा, आम बनेगा, और आम बहुत सारी बीमारियों का सबसे मेजर कॉज है। और हमने जैसा कि बताया था पहले आपको कि आम बनेगा तो हमारा पाचक रस अच्छा नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो हमारा वो ओज वाला सिद्धांत है, वो गड़बड़ होगा, इम्यूनिटी गड़बड़ होगी, और फिर बहुत सारी कंप्लेन आपको शुरू हो ही जाएंगी। तो मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, और जो हमारा मात्रा जो हमने लंच में डिसाइड किया है, और इस मात्रा से हमको डिनर हमेशा कम लेना है, इससे कम मात्रा में लेना है, और ब्रेकफास्ट भी इसके कम मात्रा में लेना है। लंच हमारा मेजर मील होगा, उसका भी एक सिद्धांत है। क्यों मेजर मील होगा, क्योंकि दोपहर में जाते जाते हमारा जो पित्त है, पाचक पित्त है, उसकी प्रबल शक्ति होती है। सुबह जब उठते हैं तो उसकी शक्ति मीडियम रहती है, दोपहर में उसकी श्रेष्ठ शक्ति हो जाती है, और रात होते होते उसको मंद अग्नि हो जाती है। तो उस अग्नि का विशेष ख्याल रख के हमको मात्रा डिसाइड करनी रहती है। अब हम जाएंगे तो हमारा ये जब ये हो जाता है, लंच हो जाएगा, तो उसके बाद लंच के बाद हमको सीधे डिनर जाएंगे, मतलब डिनर पे जाएंगे, डिनर करेंगे। तो डिनर कब करना है आपको, शाम को करना है, सूर्यास्त के बाद करना है, लेकिन बहुत लेट नहीं करना है, 7 बजे और 8 बजे के बीच में आइडियल टाइम है। और तो डिनर में क्या लेना है, डिनर में वही लेना है जो हमने लंच में लिया है, रोटी लेना है, सब्जी लेना है, दाल लेना है, सलाद भी लेना है, लेकिन हमको छाछ और दही नहीं लेना है रात को, जैसा मना मना किया नहीं लेना है।
और हमको जो एक फ्रूट्स जरूर रखना है, एक फ्रूट्स हमको सीजनल फ्रूट्स हमको लंच के साथ लेना है, एक सीजनल फ्रूट्स हमको ब्रेकफास्ट के साथ लेना है, और एक सीजनल फ्रूट्स हमको डिनर के साथ लेना है। अगर आप लेते हैं तो डिनर के साथ उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच के साथ तो मस्ट है, आपको लेना ही लेना है। सलाद की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि सलाद से हमारा फाइबर की पूर्ति होती है और फाइबर हमारे डाइजेशन में बहुत सारी हेल्प करता है। तो ऐसे करके हमारा जब डिनर कंप्लीट हो जाता है तो हमारी रात्रिचर्या शुरू होती है। रात्रि में हमको डिनर लेने के कम से कम 3 घंटे बाद ही सोना है, उससे पहले नहीं सोना है। और आधा घंटे पहले, सोने से आधा घंटे पहले हमको हल्दी वाला दूध, गोल्डन दूध पीना है, जैसा कि हमारा आयुष मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइन जारी किया है। और आयुष मिनिस्ट्री ने जो हमारा जो हर्बल एक ड्रिंक बनाया है, जिसमें हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, तो वो ड्रिंक भी आपको लेना है। तो वो आप एडजस्ट कर लीजिए, सुबह आप जैसे 10-11 बजे बीच में ले लीजिए, शाम को डिनर से पीले 5-6 बजे वो ड्रिंक्स ले सकते हैं, रात को हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, सुबह च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। अगर कभी च्यवनप्राश खाया तो उस दिन आप स्किप भी कर सकते हैं ब्रेकफास्ट, अगर च्यवनप्राश, क्योंकि उसमें बोला गया च्यवनप्राश को पाचन जब की मात्रा जो च्यवनप्राश की होती है वो इतनी मात्रा में होता है कि हमको कम से कम एटली 2 घंटे बाद भूख लगे, इतनी मात्रा में होता है। तो 2 घंटे बाद हमको वो स्नैक्स लेना है, वो जो ब्रेकफास्ट है स्नैक की फॉर्म में ले सकते हैं, वो मात्रा थोड़ी कम रख सकते हैं उस दिन हम ब्रेकफास्ट की। अगर हमको रेगुलर च्यवनप्राश खाना है तो रेगुलर खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नींद अच्छी लेनी है, नींद जैसे कि हमने बताया त्रि उपस्थम में हमारा नींद भी है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो बात किए थे, तो नींद भी हमारी कम से कम 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए और मिनिमम उसकी 6 घंटे की होनी चाहिए। 6 घंटे की नींद कंपलसरी है और एकदम साउंड स्लीप होना चाहिए, और वो ऐसी जगह लेना चाहिए जहां पे आपको रात में डिस्टर्ब ना हो, जैसा कि आजकल बहुत मच्छर है, बहुत गर्मी है, तो वो अपने हिसाब से आपको सूटेबल प्लेस बनाना चाहिए ताकि आपको नींद अच्छी आए, क्योंकि नींद अच्छी आना बहुत जरूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो उसके बाद में आपको ऐसे दिनचर्या जब कंप्लीट हो जाती है फिर सुबह उठ के वही सेम रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि मैंने जो भी अभी दिनचर्या बताई है, जो रूटीन बताया है, वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। अगर अगर कोई व्यक्ति व्याधि ग्रसित है, अगर उसको कोई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की व्याधियां हैं, तो उसके लिए उसकी उसकी आहार जो होगा वो वेरी करेगा, वो अलग करेगा, पर्सन टू पर्सन, व्याधि टू व्याधि वो अलग अलग रहेगा। उस पर हम कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कैसा आहार लेना चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, ऐसे किडनी का पेशेंट है तो किडनी के पेशेंट में तो बहुत सारा डाइट का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वहां पर क्या लेना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको वहां पर लो पोटेशियम, लो सोडियम, लो प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, तो वो सब बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अभी स्वस्थ व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति में भी अपने साथ में के अनुसार ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो वो अपना, और अगर किसी को व्याधि है तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनसे अपनी एक चार्ट बनाए, अपनी डाइट का एक चार्ट बनाए, उसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।